Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइज पिछले एपिसोड में तो आप लोगों ने देखा होगा, फ्रैंकलिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था माइकल का न्यू मैंशन और उसके ऊपर गाइज अटैक हो चुका था पिटबुल का। तो गाइज आज हम लोगों ने यहाँ पर एक नया बहुत ही शानदार जो है, आप लोगों ने अभी थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उसे बाय करने वाले हैं और वो भी फार्मर से। लेकिन गाइज उससे पहले हम लोगों को फ्रैंकलिन को बहुत ही अच्छा मज़ा चखाना है, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे पहली बार अगर चैनल पे न्यू हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ वॉच आउट कर लेना इस वाले एपिसोड के बाद। इस वाले एपिसोड को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों ने कहीं भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर जो है आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने जो है ये रही गाइस हमारी मेट जो कि हम लोगों ने रिप्लेस कर दी थी इसे, ठीक है। और चलो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है माइकल एडिक्शन तो होता ही जा रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी है एक तरह से कि भाई हमारा जो नया मैंशन था उसको उसने इतना खतरनाक डिस्ट्रॉय क्यों किया, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाइस मेन तो राज बात आप लोगों को पता ही होगी कि भाई फ्रैंकलिन ने उस बड़े मैंशन को क्यों डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, क्योंकि माइकल वहाँ पर आया था उसको मारने के लिए। लेकिन माइकल का कहना है कि भाई मैं तो वहाँ पर आया ही नहीं, तुम्हें मैंने मारा ही नहीं, तो तुमने बेफालतू में मेरा घर क्यों ब्लास्ट कर दिया। अब वो बंदा था तो था कौन और क्यों आया था और क्यों मारने आया था, और फ्रैंकलिन ने विदाउट क्रॉस चेक दोस्तों हमारा इतना बड़ा घर ब्लास्ट कर दिया, वो भी इतने बड़े बम ब्लास्ट से, ठीक है। अभी उसको रिपेयरिंग के लिए हम लोगों ने दे रखा है, तो गाइस देखते हैं वहाँ पर रिपेयर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फिलहाल ये वाली जो कार है उसको मैं लेके सीधा जा रहा हूँ फ्रैंकलिन हाउस पर उसके कुछ बंदों को मारने के लिए। अब गाइस आप लोगों को पता है तो भाई गैंगस्टर दिमागी, लेकिन गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फ्रैंकलिन जो है माइकल से काफ़ी ज़्यादा डरता भी है और उसने भाई बदले में वहाँ पर जो है सिक्योरिटी भी लगा रखी है। तो अपना जो उसका घर है वहाँ पर जो है उसने सिक्योरिटी लगा रखी है। और तो जल्दी से गाइस मैं जो है वहाँ पर अभी जाता हूँ और उसकी सिक्योरिटी को बताता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो ये वाली कार है वो काफ़ी तगड़ी कार है और परफेक्ट एसयूवी है गाइस, एक तरह से इसका नाम है हंटली। और चकाब मतलब इसके जो कंट्रोल्स हैं प्लस दोस्तों फोर सीटर और है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कार है दोस्तों, बेस्ट कंट्रोल और दोस्तों लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, ठीक है। तो जल्दी से गाइस हम लोग यहाँ से शॉर्टकट लेके जा रहे हैं और मुझे पता है जो फ्रैंकलिन का घर है वो डैम के नीचे है। तो गाइज हम लोग डैम से उसके ऊपर चढ़ के सारी की सारी सिक्योरिटी देखने वाले हैं कि भाई वहाँ पे हुआ तो हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज हम लोग जो है आ चुके हैं और आने के बाद आप लोग देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर दोस्तों जो है जो ये वाली कार है उसको मैं लेके आ चुका हूँ और वहीं पर दोस्तों जो है हमारे बंदे खड़े हुए हैं। तो कार को गाइज मैंने कर दिया है पार्क, यहाँ पर आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। और ये खड़े भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी है उस बंदे ने, मतलब इतना ज़्यादा डर रहा है गाइस वो मेरे से कि भाई उसने इतनी ज़्यादा खतरनाक सिक्योरिटी लगा दी है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर कैमरा ऑन करने से आप लोगों को सारी की सारी सिक्योरिटी दिखेगी। मिक्स गैंग उन्होंने लगवा रखी है, बेलास गैंग एंड लॉस्ट गैंग, थोड़े बहुत पैसे फेंक दिए होंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कुछ लॉस्ट गैंग नीचे खड़े हैं, कुछ बेलास गैंग ऊपर खड़े हैं, ठीक है। चारों के चारों भाई ऊपर नीचे खड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग जो है यहाँ से अपनी कार पर बैठते हैं और कार में बैठने के बाद गाइज हम लोग जो है पीछे से जाने वाले हैं और ऊपर से चढ़ के इनको चुन चुन के मारने वाले हैं। अगर दोस्तों इन्हें पता भी लग गया तो भी कोई मतलब नहीं पड़ता क्योंकि गाइज हमने जो है आर्मर तो पहन ही रखा है। तो देखते हैं गाइज कितनी गोली हम लोगों को ये मार लेंगे और हम लोग जिनको जो है जल्दी मार के फिर डायरेक्ट मैं फार्मर के पास जाता हूँ, जो कि आज हम लोग एक नया कैमल खरीदने वाले हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो कैमल काफ़ी तगड़ी चीज़ है। तो जल्दी से गाइज मैंने ये स्टार्टिंग जंप ली और सीधा पेड़ पर आके मैं खड़ा तो हुआ लेकिन गाइज मैं गिर गया। तो जल्दी से भाई फिर से मैं ये ग्रास पे खड़ा हो जाता हूँ। अब यार ग्रास पे जल्दी से खड़ा हो, फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर चढ़ने वाले हैं और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग जो है ये वाली टेबल पर चढ़ने के बाद वो जो शेड लगा हुआ है उसके ऊपर चढ़ेंगे और डायरेक्ट दोस्तों हम लोग जो है एक जंप ले लेंगे ऊपर। तो आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस, तो हम लोग कैसे ना कैसे करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं लेकिन ये बेवकूफ़ों को कुछ भी पता नहीं लगा कि बंदा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अबे मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे हो तो भाई इतनी तो ख्याल रखा करो कि भाई अपने में बातचीत या फिर दोस्तों पता भी लगे कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले इस गंजे को मैंने गिरा दिया है और इसकी गन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। दूसरे बंदे को भी हम लोग गिरा देते हैं, निकल यहाँ से बेटा। ओके तो गाइस फ्रैंकलिन का मैसेज आ चुका है, इज़ दैट यू क्रीपिंग अबाउट आउट
अबाउट यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन का मैसेज आ चुका है, आप लोग पढ़ के भी देख सकते हो। अगर मैंने उसे यहाँ पर कॉल लगाया तो बिजी बता रहा है। ओके बेटा कोई बात नहीं, उसे पता लग चुका है कि भाई मैं उसके यहाँ पर घर पर आ चुका हूँ, तो सबसे पहले अब मुझे ये वाले बेलास गैंग को मारना पड़ेगा। तो ये गाइस बेलास गैंग को हम लोगों ने मार दिया सीधा कमर पे। उसके बाद गाइस हमें ये वाले बेलास गैंग को ठोकना पड़ेगा। तो भाई ये वाला बेलास गैंग थोड़ा एक्टिव था जिसको पता तो लग ही गया है, लेकिन गाइस अब जो है मैंने बताता हूँ अच्छी तरीके से। बेटे रुक जा, ये बंदा भी मैंने मार दिया है। और अब मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ यहाँ पर और इन्हें ठोकना शुरू करता हूँ। चल बेटा पहला बेलास गैंग साफ हो चुका है, आगे की तरफ में चलते हैं। तो गाइस ये वाला बंदा भी हम लोगों ने मार दिया है, और भी बंदे कुछ बचे हुए हैं। ये रहा बेटा, ये भी बचा हुआ है। बाकी के नीचे तीन वाले जो बंदे हैं उन पे गाइस हम लोग जो है अपना स्टिकी बॉम्ब फेंकने वाले हैं। तो ये रहा गाइस स्टिकी बॉम्ब हम लोगों ने नीचे फेंका। इन लोगों का असर कुछ काफ़ी कम ज़्यादा हो रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस अब आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है जितने बंदे हैं उनको भी हम लोग खेल कर चुके हैं, ठीक है। बाहर बाकी यहाँ पर तीन बंदे और खड़े हैं, तो इनको भी मार देते हैं अभी। ये देखो गाइस तीनों को हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ से कार लेके मेरे को डायरेक्ट निकल जाना है फार्मर की लोकेशन पे। और गाइस मुझे तो लग रहा है कि भाई फ्रैंकलिन फार्मर के पास ऑलरेडी पहुँच चुका है, क्योंकि उसे पता है कि भाई आज मैं जो है एक नया बाय करने वाला हूँ। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर सबको किल कर दिया है। तो गाइस एक तरह से बात ऐसी हो चुकी है कि भाई अगर मैंने इनके सारे बंदों को मार दिया है तो बात ऐसी हो गई है कि आप जल्दी से मैं यहाँ पर कोई भी कार ले लेता हूँ। तो चलो गाइस एक स्कॉर्पियो यहाँ पर आ गई है। सॉरी गाइस मेरे को ना काफ़ी तगड़ा थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है, तो जिसके कारण से आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, या मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो बाकी दोस्तों अभी आप लोग देख ही पा रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो ले ली है। स्कॉर्पियो लेने के बाद गाइज हम लोग सीधा जाने वाले हैं फ्रैंकलिन के पास, वहाँ पर जहाँ पे फार्मर है। तो गाइज यहाँ पर जो स्कॉर्पियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया कार है, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। 4 सीटर प्लस दोस्तों अपनी इंडियन की फीलिंग आप लोग को आ जाती होगी इसको देखने के बाद। और गाइज ये पुराना मॉडल है, और जो पुराना है ना ओल्ड इज गोल्ड गाइज, जो पुराना मॉडल है वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कोई नेता वगैरह चल रहा है इसमें। ओ तेरी, मतलब गाइज आप लोग देख ही पा रहे हो कुछ ही सेकंड है हमारे पास, और इस फ्रैंकलिन को मज़ा चखाने के लिए तेरी ऐसी की तैसी। रुक जा बेटा ये ले, इस बंदे ने यहाँ पर भी आगे नहीं छोड़ा, फार्मर को भी दोस्तों धमका वगैरह रहा है। और वो देखो गाइज हमारा जो है छोटा सा कैमल खड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। तो गाइज इस कैमल का नाम आप लोग जाके मुझे कमेंट करना कि भाई हम लोग इस कैमल का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग देख ही पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी दोस्तों फ्रैंकलिन को भी मुझे समझाना पड़ेगा, और ये सिटी साइड में नहीं आ सकता, यहीं पर रेतीले सैंडी शोर में रहेगा ये। तेरे को भाई समझ में नहीं आ रही यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस ये फ्रैंकलिन ऐसा क्यों कर रहा है। अब इससे मैं पूछूंगा इसको पर्सनली ले जाके कि भाई बात तो बात है क्या, जल्दी बता दो भाई बात है क्या, ठीक है। और इसको भाई अभी देखो मैं झटके वगैरह भी दे रहा हूँ, ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो स्टन गन से मैंने इसको जो है नीचे डाउन कर दिया है। बाकी फार्मर को भी मैंने बोल दिया कि भाई जितना तो उसको मार सकता है मार, इसने भाई काम ही है इसने गलत किए हैं। बाकी है तो भाई अपने गैंग मेंबर टीम का, लेकिन गाइज ऐसे काम कर रहा है तो फिर दूसरे भी इसको मार के चले जाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन गाइज आप लोग खुद ही देख ही पा रहे हो कि भाग भी रहा है और बता भी नहीं रहा है कि भाई किस लिए तूने मेरे जो है घर को ब्लास्ट कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मर भी दोस्तों उसको काफ़ी तगड़ा मारने लग गया है, ठीक है। दूर ले जाके मार भाई इसे तू। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि भाई वो दूर ले जाके वहाँ पर उसे जो है काफ़ी तगड़ा मार रहा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग जो है उससे राज निकलवा लेंगे। फाइनली आप लोगों को ये कैमल कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इसके पैर भी काफ़ी ज़्यादा गद्दीदार हैं और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है ये। और रेत रेत में जब हम लोग कभी चलेंगे या फिर हम लोगों को जाना होगा तो इसमें हम दोस्तों सवारी भी कर सकते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर लो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।